Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the sixth part of third chapter of class 10th chemistry, metals and nonmetals. In this video we will talk about occurrence and refining of metals. So let's begin. First comes the occurrence of metals. Minerals and ores. Metals and their compounds are found in nature in the earth and known as minerals. Earth's crust mein मेटल्स और उसके कंपाउंड्स मिलते हैं जिनको मिनरल्स बोलते हैं, यानी कि नेचुरल तरीके से जो मेटल्स निकलते हैं वो नेचर में अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं. ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली. उनमें से उन मिनरल्स में से जिनमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली, आराम से और फ़ायदेमंद तरीके से जिन मिनरल्स में से मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो जाता है उनको बोलते हैं ओर्स. ओर्स कंटेन मेटल्स मेटल कंपाउंड्स विद लो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज़. ओर्स ऐसी मिनरल्स होते हैं जिनमें इम्प्योरिटी का परसेंटेज बहुत कम होता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर्स उसमें इम्प्योरिटी कम होती है, इसलिए इट इज़ ईजियर टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम द ओर्स. ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स नेसेसरली. मतलब सभी जो ओर होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं होते. ऑब्वियसली हर एक मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन जिस ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट होता है वो भी एक मिनरल ही होता है. इन द फ्री स्टेट वेरी फ्यू मेटल्स एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट. ओनली मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एंड मर्करी आर ओकेजनली फाउंड इन द फ्री स्टेट, दैट इज इन द प्योर फॉर्म. फ्री स्टेट मतलब ऐसे मेटल्स जो कि नेचर में प्योर फॉर्म में मिलते हैं बिना किसी इम्प्योरिटी के, बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम या फिर मरकरी. समटाइम्स कॉपर एंड सिल्वर में ऑल्सो भी फाउंड इन द फ्री स्टेट. सच मेटल्स आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय एयर और वाटर. कभी कभी कॉपर और सिल्वर भी फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, और फ्री स्टेट में मिलने वाले मेटल्स जो होते हैं वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते. इन द कंबाइंड स्टेट द रेस्ट ऑफ द मेटल्स अकर इन द कंबाइंड स्टेट as compounds such as oxides, carbonates, sulfides, sulfates, silicates, chlorides, nitrates, sulfates, etc., phosphates, etc. अब क्या है कि combined state में भी मिलते हैं कुछ metal, जो example दिए कुछ पीछे gold, silver, etc. उनके अलावा जितने भी metal होते हैं वो सब combined state में मिलते हैं, मतलब किसी ना किसी compound के form में. compounds कौन से होते हैं? metal oxides, metal carbonates, metal sulfides, metal sulfates, silicates, metal chlorides, मेटल नाइट्रेट्स या फिर मेटल फॉस्फेट्स. प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं. कॉपर एंड सिल्वर आर द टू मेटल्स विच अकर इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट एज सल्फाइड ऑक्साइड और हैलाइड ओर्स. कॉपर और सिल्वर दो ऐसे मेटल हैं जो कि प्योर स्टेट में भी मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, और साथ में कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, जैसे कि सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड के फॉर्म में या फिर हैलाइड के फॉर्म में. हैलाइड मतलब रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन कंपाउंड्स. Metals at the top of the activity series like sodium, potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium are so reactive that they are never found in nature as free elements. Reactivity series में ऊपर आने वाले जो metals हैं, जो elements हैं, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, ये इतने ज़्यादा reactive होते हैं कि ये हमेशा react करते ही हैं और कभी भी nature में free state में नहीं मिलते, मतलब pure form में कभी नहीं मिलेंगे. The metals in the middle of the activity series like zinc, iron, lead, etc. are moderately reactive. जो middle में होते हैं activity series में वो उनका reaction moderate होता है, और जो bottom पे होते हैं they are non-reactive. They are found in the earth's crust mainly as oxides, sulfides and carbonates. जो moderately reactive होते हैं वो oxide, sulfide या carbonate बनाते हैं और earth's crust में उसी form में मिलते हैं. अब extraction कैसे करते हैं? तो पहले ore होता है, ओर से एक्सट्रैक्शन या एनरिचमेंट ऑफ ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओर एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओर को प्योरीफाई करते हैं. सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड गेंज. अब गेंज क्या होता है कि जो प्योर हमें मेटल चाहिए उसके साथ जो जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको बोलते हैं गेंज. तो पहले हम ओर एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें ओर भी होगा और इम्प्योरिटी भी होगी. एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओर भी है, इम्प्योरिटी भी है, इम्प्योरिटी को अलग करेंगे बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उसको अलग करने के बाद मेटल मिलेंगे तीन तरह के. मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम. मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी लाइक जिंक, आयरन एंड लेड. मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी लाइक कॉपर एंड सिल्वर. अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर के थ्रू प्योर मेटल के फॉर्म में निकाल लिया जाता है. इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उनका,
molten ore ka and pure metal is found. Jo moderately reactive hain unme carbonate or ZnCO3 aur sulfide or ZnS ye do tarah ki hoti hain. Isme se jo carbonate ore hai uska karenge calcination heat in the absence of air. Air ke absence mein heating karenge carbonate ore ki aur usse milega oxide of metal ya fir agar sulfide hai zinc sulfide example तो रोस्टिंग करेंगे यानी कि हीटिंग प्रेजेंस ऑफ एयर. प्रेजेंस ऑफ एयर में हीटिंग करेंगे तो रोस्टिंग बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर में हीटिंग करेंगे तो कैल्सिनेशन बोलेंगे. दोनों ही प्रोसेस के थ्रू हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाता है जिसका रिडक्शन करेंगे यूजिंग कार्बन और मिल जाएगा प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करके उसको प्योरीफाई कर लेंगे आफ्टर रिडक्शन यूजिंग कार्बन. इसके बाद जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके केस में सल्फाइड ओर्स एग्जाम्पल CuFeS, CuS एंड AgS रोस्टिंग करेंगे. डन फॉर सल्फाइड और सल्फाइड और इसमें से जो है इसकी रोस्टिंग करेंगे, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, उसको रिड्यूस करेंगे रिडक्शन बाय कार्बन, फिर मेटल इम्प्योरिटीज़ मिलेंगे जिनको रिफाइन कर लेंगे टू फॉर्म प्योर मेटल. अब रिफाइनिंग क्या होती है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑब्टेंड बाय द रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर. रिडक्शन प्रोसेस से मिलने वाले मेटल बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं. दीज हैव टू बी फर्दर रिफाइंड और प्योरीफाइड. प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल इन द लास्ट स्टेप इज इन मेटलर्जी. रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देयर इम्प्योरिटीज. द फॉलोइंग प्रोसेस वी यूज इन रिफाइनिंग. मतलब कि जो हमने रिडक्शन किया उससे जो मिला मेटल वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं था, उसको प्योर करने के लिए मेटलर्जी का लास्ट स्टेप रिफाइनिंग यूज़ किया. रिफाइनिंग के अंदर कई स्टेप होते हैं, कई तरीके होती है. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिडक्शन प्रोसेस. केमिकल रिडक्शन से जो काम नहीं होता है वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं. एज वेल एज फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऑब्टेंड बाय द अदर मेथड. यानी कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा मेथड है जो कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं केमिकल रिडक्शन अगर काम नहीं करता तो, और अगर केमिकल रिडक्शन काम कर गया उसके बावजूद प्योरीफाई करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं. इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस अ ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड थिन शीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड. एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड. जो इम्प्योरिटी है उसको एनोड बनाया, जो थिन शीट ऑफ प्योर मेटल है उसे कैथोड बनाया. द इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंटेन्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट. जिस भी मेटल को रिफाइन करना है उसी मेटल के सॉल्ट का एक एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रेजेंट होगा. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ सूटेबल वोल्टेज इज पास इम्प्योर मेटल एट द एनोड गेट्स डिसॉल्व्ड टू द डिपॉजिट द प्योर मेटल एट द कैथोड. मतलब इम्प्योरिटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी इन द सॉल्यूशन और प्योर मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. दीज आयंस गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड एज फॉलोज. कैथोड पे प्योर मेटल जो है वो डिसॉल्व अटैच कैसे हो रहा है, हाउ डज इट गेट डिपॉजिटेड, उसके भी स्टेप है. द इम्प्योरिटी आर लेफ्ट बिहाइंड एज एनोड मड नियर द एनोड. इम्प्योरिटी जो है वो लेफ्ट पीछे रह जाती है. द एनोड फाइनली डिसइंटीग्रेट्स व्हाइल द कैथोड गेन्स इन वेट ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ प्योर मेटल. जो एनोड है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा यानी कि तहस नहस हो जाएगा, और जो दूसरी तरफ कैथोड है जिसको कि प्योर मेटल मिल रहा है उसका वेट बढ़ जाएगा. द मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग वोलेटाइल मेटल्स लाइक कॉपर सिल्वर टिन निकल दैट हैव बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर देन देयर इम्प्योरिटीज. ऐसे मेटल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटी से कम होता है उनको यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल जिंक या फिर मरकरी. एन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंपाउंड सॉल्ट एसिड और बेस विच इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट दैट इज साइमल्टेनियसली डिकम्पोज्ड बाय इट. इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनाइज्ड इनटू इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज्ड आयंस विच कैरी द करंट. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सॉल्ट एसिड या बेस होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सोल्यूशन यूज़ किया जिसमें कि मोल्टन स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आर आयनाइज्ड इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस विच कैरी करंट. जब करंट पास करते हैं तो आयनाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, जिस वजह से करंट जो है वो कैरी होता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स. चार्ज्ड आयंस मूव टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड टू गिव अप देयर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बिकम एटम्स. दीज आर इलेक्ट्रिकली लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स. जो चार्ज आयन है वो अपना जो चार्ज है वो गिव अप कर देते हैं, गिव अप द चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बिकम एटम्स,
अपोजिटली चार्ज निरक्षण की तरफ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाले कैथोड की तरफ जाएंगे, फिर अपना चार्ज गिव अप कर देंगे और एटम बन जाएंगे और फिर इट इज़ लिबरेटेड, आइदर लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, या तो लिबरेट हो जाएंगे या फिर डिपॉजिट हो जाएंगे, या तो एक कैथोड पे लिबरेशन होगा, दूसरे पे इलेक्ट्रोड पे लिबरेशन होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन होगा, इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। अब हमने पीछे पढ़ा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, यानी कि हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें डिफरेंस क्या होता है। कैल्सिनेशन इट इज़ डन फॉर कार्बोनेटोर्स, रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइडोर्स। कैल्सिनेशन हीटिंग ऑफ ओर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेंड। कैल्सिनेशन मेथड में हीटिंग ऑफ ओर करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे CO2 गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेंड। रोस्टिंग हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, SO2 गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेंड। वहाँ पे CO2 रिलीज हुई, यहाँ पे SO2 रिलीज हुई और दोनों केस में मेटल जो है ऑक्साइड ऑब्टेंड हो गया। रिएक्शन दिया हुआ एक ZnCO2 सॉलिड विल हीट टू फॉर्म ZnO सॉलिड प्लस CO2 गैशियस, और रोस्टिंग में Z2ZnS सॉलिड प्लस 3O2 गैशियस विल हीट टू फॉर्म 3ZnO सॉलिड प्लस SO2 गैशियस। तो ये डिफरेंस है कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।